हे गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गुरु एडी चैनल। भाई आप सभी भाई लोगों को तो पता है रिपब्लिक डे आ चुका है, तो गाइज इसके लिए एडवांस में गुरु एडिटर की तरफ से सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड गाइज इस रिपब्लिक डे के ऊपर हम करने वाले हैं कुछ इस तरह की सीवी एडिटिंग, बहुत ही कमाल का फोटो एडिटिंग होने वाला है गाइज। इस एडिटिंग का मैं जितना तारीफ कर दूँ उतना कम है, बाकी डिपेंड करता है आप पे कि आपको फोटो एडिटिंग आज का कैसा लगेगा। तो गाइज अगर आप लोगों को भी इस तरीके का एडिटिंग सीखना है तो बस वीडियो आप लोगों के लिए है, वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, बस आप लोग देखते रहो। और वीडियो पसंद आएगा तो गाइज एक लाइक करना जरूर, ठीक है। एंड गाइज मेरा इंस्टाग्राम पे हैशटैग यूज़ करा करो यार, तभी तो लाइक आएगा। एंड गाइज आपको सबसे पहले इस तरह की एडिटिंग करने के लिए आप लोगों जो है ये वाला बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। एंड ऑटोडेस्क में ओपन करना है बैकग्राउंड को, एंड फिर गाइज प्लस ऐड फोटो पे क्लिक करके आपको जो है अपना फोटो ऐड कर लेना है, जिस भी अपने फोटो को एडिट करना है। एंड गाइज मैंने अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है पहले से यहाँ पर रिमूव करके रखा हुआ है, मतलब इरेज कर दिया था, जिससे आप लोगों का वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को तो भाई बैकग्राउंड इरेज करना आता ही होगा। एंड इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर। और गाइज अगर मेरी तरह सेम टू सेम अगर चाहते हो पोज देके फोटो क्लिक करवाना, तो गाइज कोशिश करना कहीं पे मतलब जीने वाली जगह पे जाके बैठ के फोटो क्लिक करवा लो, ठीक है। एंड गाइज हमने फोटो को ऐड कर लिया है, बट हमारा देख सकते हो यहाँ पे हेयर्स जो है बिल्कुल ही बेकार टाइप का दिख रहा है। तो हम सबसे पहले हेयर को हम एडिट करते हैं। तो हेयर को एडिट करने के लिए गाइज स्मज ब्रश लेना है, ये वाला फर्स्ट नंबर पे। एंड मैं इसकी जो सेटिंग रख रहा हूँ एज इट इज़ आपको सेम सेटिंग रख लेना है आपको भी, एंड साइज़ आप अपने हिसाब से सेट करना। और गाइज ज़्यादा छोटा ही साइज रखना, बड़ा मत साइज रखना, ठीक है। एंड इस तरीके से अपने हेयर को आपको एडिट करना होगा। और गाइस अगर मैं आप लोगों को इतना सारा मैं प्रोसेस इस एडिटिंग में बताऊंगा, ठीक है, अगर एक भी अच्छे से समझ में ना आए ना, मुझे भाई आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर लेना कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो, मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा यार क्या क्या है ना, तो सब चीज़। और फिर आप लोगों को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना दूंगा, आप जो टॉपिक बताओगे, ओके, और कमेंट भी कर सकते हो वैसे तो। एंड गाइस हमारा हेयर एडिट हो चुका है, बट हमारा अभी यहाँ पर फेस बहुत ज़्यादा रफ है, तो हम फेस को स्मूथ करेंगे, ये वाला ब्रश लेंगे। एंड इसकी सेटिंग पे भी आएंगे, और यहाँ पर अभी मैं जो सेटिंग रखूँगा आपको भी वही सेटिंग सेम रखना होगा, ओके। एंड साइज़ हम छोटा रख लेते हैं यहाँ पर। एंड इस तरीके से अपने फेस को जो है अब स्मूथ करना होगा। एंड गाइस पूरे आपको इसको स्किन को आपको स्मूथ कर लेना है, ठीक है, सिर्फ फेस को ही नहीं पूरे स्किन को। एंड हर जगह आपको गाइस साइज एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हर जगह मतलब जहां पर छोटा साइज है वहां पर छोटा ब्रश रखना, ओके। एंड साइज अपना सेट करते रहना और इस तरीके से अपने फेस को स्मूथ करते रहना, बहुत ही आसान है गाइस। और गाइज यार अभी तक वीडियो को अपनी मतलब अभी तक यार वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करता है आपका भाई आपके लिए, और रिपब्लिक डे पे तो यार लाइक कर ही दोगे यार, मुझे पता है यार इस तरह की एडिटिंग आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो भाई लाइक बनता है इसके लिए, ठीक है। एंड गाइज आप लोग देख सकते हो हमारा फेस बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। अब गाइज करेंगे क्या, लेयर वाले ऑप्शन पे चलेंगे एंड प्लस पे क्लिक करके एक हम एम्प्टी लेयर लेंगे। एंड फिर गाइज हम चलेंगे कलर वाले ऑप्शन के अंदर, एंड इसके अंदर गाइज कॉपी कलर में आना है आपको, एंड फोर्थ नंबर पे आपको एक ऑरेंज कलर मिलेगा इसमें आएंगे, एंड सेकंड नंबर पे जो कलर है ये सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। एंड फोटो को जूम कर लेना है फिर, और लेयर वाले ऑप्शन में आना है जिस और जो हमने एम्प्टी लेयर लिया था उसको हमें कर देना है सेटिंग और सॉफ्ट लाइट पर, ठीक है, ब्लेंडिंग मोड उसका। एंड हम ब्रश में चलेंगे अब, एंड ब्रश लेंगे हम ये वाला ट्रेडिशनल ब्रश, एंड फिर इसका भी हम साइज सेट करेंगे, फोलो को हम 100% रख लेते हैं। एंड इस तरीके से अपने फेस के ऊपर इस कलर को आपको अप्लाई करना है, ओके। अब देख सकते हो गाइस हमारा जो फेस बहुत ज्यादा साइन कर रहा है, बट गाइस ये थोड़ा सा हमारा फेक भी लग रहा है, बेकार सा टाइप का लग रहा है, तो हम गाइस इसका टेंशन मतलब परफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा मतलब फेक टाइप का लग रहा है, तो इसका क्या करेंगे, एम्प्टी लेयर का हमें जो है ओपेसिटी कम कर देना है हल्का सा। मैंने यहाँ पे 50% से मतलब ज़्यादा ही कम कर दिया, ठीक है, जितना आपके फ़ोटो पे शूट कर जाए अच्छा, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपको रख लेना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से हम अपने फ़ोटो को कर लेते हैं सेव, एंड चलते हैं स्नैपशॉट में। गाइस हमने अपने फ़ोटो को जो है स्नैपशॉट में ओपन कर लिया है,
स्नैपशॉट में ओपन करने के बाद आपको आना है टूल्स वाले ऑप्शन में एंड चलना है ट्यून इमेज में। यहाँ पर हम लाइटिंग एडजस्टमेंट करेंगे, तो कंट्रास्ट सबसे पहले थोड़ा सा प्लस में रखेंगे, एम्बिलेंस को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, हाईलाइट को भी हम माइनस कर लेते हैं एंड शैडो को हमें प्लस कर लेना है। ओके, अब सिंपल यहाँ से डन। फिर गए आप लोगों जो है चलना है दोबारा टूल्स में एंड इस बार हमें क्लिक करना है यहाँ पे HDR पे। HDR वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें हमें देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिया HDR ने। तो इसके अंदर गए हम ब्राइटनेस को कम करेंगे HDR में 10% माइनस में ब्राइटनेस। ओके, अब बट हमारे गए ये जो HDR इफेक्ट है हमारे फेस पे भी आ चुका है, बहुत ही बेकार सा हमारा फेस लग रहा है। फेस से हमें इसे रिमूव करना है, इफेक्ट को हटाना है। तो चलेंगे अंडो वाले ऑप्शन में एंड व्यू एडिट्स के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर हम इन्वर्ट कर लेते हैं एंड फिर गाइस आपको जो है ये नीचे जो एरो बना हुआ है उसको हमें जीरो पे रखना है ब्रश को एंड इस तरीके से अपने फेस के ऊपर से आपको इरेज कर लेना है ये इफेक्ट। पूरे स्क्रीन से आपको स्मूथ मतलब इफेक्ट को इरेज कर लेना है एंड हमारा देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट अप लग रहा है यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब जो आपको स्नैपशॉट से अपने फोटो को कर लेना है सेव एंड चलना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। गाइस फोटो को जो है हमने एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है एंड लाइटरूम में ओपन करने के बाद इसके अंदर भी सबसे पहले आपको लाइट का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर भी हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा प्लस करेंगे 10%, कंट्रास्ट को प्लस करेंगे, हाईलाइट माइनस, शैडो को थोड़ा ज़्यादा प्लस करेंगे, वाइट को बढ़ाएंगे एंड ब्लैक को माइनस। ओके, ये सेटिंग रखना है आपको एंड आना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर में आने के बाद आपको वाइब्रेंट बढ़ाना है थोड़ा सा, टेम्परेचर को 2% माइनस, टिंट को भी 2% माइनस, मिक्स कलर में आएंगे। मिक्स कलर में आने के बाद रेड कलर है तो इसको रहने देते हैं, ऑरेंज कलर पे आएंगे हम, इसका ल्यूमेंस बढ़ाएंगे हल्का सा, येलो कलर पे आएंगे, येलो कलर का हम जो है सैचुरेशन को 100% माइनस करते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारे में मिल चुका है कलर का। अगर चाहो तो गाइस आप अपने फोटो में येलो कलर रखना चाहते हो तो येलो कलर भी रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर येलो कलर नहीं रख रहा हूँ अपने फोटो में, सैचुरेशन माइनस कर दिया मैंने येलो कलर का। ओके, ब्लू कलर का मैंने गाइस ह्यू थोड़ा सा माइनस करा, सैचुरेशन प्लस, ल्यूमेंस को माइनस एंड सिंपल डन। डन करने के बाद देख सकते हो हमारा कलर ग्रेडिंग बहुत ही परफेक्ट हो गया है। बस यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन में आके आपको क्लियरिटी बढ़ाना है, डीहेज बढ़ाना है, विग्नेट को कम करना है एंड मिड पॉइंट को भी कम करना है, फेदर को थोड़ा सा प्लस कर देना है। ओके, अब हमारा देख सकते हो कलर ग्रेडिंग बहुत ही जहर टाइप का हो गया है। अगर गाइस आपको फोटो को फुल शार्प करना है तो शार्प के लिए गाइस यहाँ पे शार्पनेस आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, अपने फोटो के मुताबिक बढ़ाना है जहाँ पे आपका शार्पनेस अच्छा लगे। ठीक है, एंड हमारा देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर देख लो गाइस, है ना, बहुत ही कमाल का हमारा फोटो बन चुका है। तो गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, बस लाइक कर देना एंड गाइस कमेंट करके बताना ऐसी और भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो। ठीक है, आपका भाई आपके लिए लाएगा। जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय और गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।